तैयारी कर रही है गोले बनाने की, वीडियो शूट होएगी। ये मैडम देखो कैसे कर रही है, बना रही है। ये बना रही हूँ मैं काले कट्टे का जो फ्लेवर है, वो फ्लेवर मैं चाशनी के अंदर इंजेक्शन भर भर छोड़ रही है इसके अंदर। इसको चाशनी के अंदर अच्छे से मिला लेंगे। आपने बनाया कुछ ऐसा? वैसे भी तो गर्मी आ रही है, तो इसका शरबत बना कर पी सकते हैं, पर मैं ये स्पेशल अपने गोले की जो सीधी जाने वाली है उसके लिए रेडी कर रही हूँ। ये मक्खियाँ भी खत्म कर रखी गर्मी के अंदर। अभी तक ये मैंने ना जुगाड़ बनाया है छोटे की बोतल लाल आकर इतनी सारी, और ये जुगाड़ बनाया है। ये पता है क्या चीज दिखाती हूँ आपको, ये आप ना साइकिल वाली दुकान पर गए होंगे ना, तो ये ट्यूब के अंदर लगा होता है। इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है, तीन चार दिन अच्छे से पानी में सर्फ के अंदर डालकर इसको अच्छे से वॉश किया, और उसके बाद मैंने ये जुगाड़ बनाया। मेरा जुगाड़ कैसा लगा आपको है कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ये देखो हमारी एक जैसी बोतलें रेडी होंगी। ये जा रहा है बोतल के अंदर खट्टा। किस किस ने काला खट्टा खाया है मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? बर्फ का बोतल तुमने खाना है? खाऊंगी। तू बनाएगी तो खाऊंगी। ऐसे नहीं होती कि एक वीडियो वैसे ही बन जाती है, उस वीडियो के पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और ये उसी मेहनत का काम हो रहा है। इतनी बोतलें और पड़ी है इसके अंदर, सारे के अंदर जाएगा। ये क्या जाएगा? काला खट्टा में सब अलग अलग फ्लेवर जाएंगे सभी के अंदर। ये मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया, ये मैंगो फ्लेवर, ये लेमन फ्लेवर, और ये है हमारा काला खट्टा फ्लेवर। अरे देखो कैसा लग रहा है, मजेदार। ये चाशनी हमारी बनाई हुई है, पहले कल की बनाई हुई। तो ये कौन सा फ्लेवर मैडम? ये ऑरेंज फ्लेवर है। अच्छा, वो वाला मैंगो फ्लेवर, वो मैंगो है, ये ऑरेंज फ्लेवर है। ओके, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। ये जो फ्लेवर है ना, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, यहाँ नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ऑनलाइन देख के सर्च। ये चाशनी तो हमने कल बना ली थी, लेकिन ये गर्म थी तो गर्म बोतल के नहीं डाल सकते, ठंडी की अच्छे से इसको फिर गर्म करके, ठंडी करके इसको फिर डाला इसके अंदर फूड कलर। सॉरी फूड कलर नहीं, फूड फ्लेवर आएगी। चलो तो ये आ गया ऑरेंज कलर, देखते हैं ऑरेंज कलर आया कि नहीं। किस किसने ऐसे जुगाड़ बनाए हैं क्या, कमेंट में बताओ। पाइनएप्पल वाले, ये कौन सा फ्लेवर है? अब ये पाइनएप्पल फ्लेवर। तो तूने कितने फ्लेवर मंगाए थे? मैं टोटल 10 फ्लेवर मंगाए हैं। अच्छा, तो कितने बन गए अपने? ये बन गए अपने 5 बन गए, 6 बन रहा है। अच्छा, मतलब तक कमरे की चाशनी बनानी पड़ेगी। कमरे पता नहीं था ना, मैंने पूरा इतना बड़ा पतीला था ना, जो हमारे सबसे बड़ा बटन था, मैंने तो वही बनाने में मजा आ रहा है, नहीं तो बचपन याद आ रहा है। वाओ, येलो लग रहा है, पाइनएप्पल फ्लेवर, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसकी। यहां तक आ रही, मेरे पास भी आ रही है। आ रही है ना? अभी बना के खिलाऊं क्या? हां, गोला बना के खिला। वीडियो क्या अभी कुछ मंगाया है, वो भी आने वाला है। ये कौन सा फ्लेवर है मैडम? ये है आपकी, मैं जितना मैंने जग में लिए है ना, उसके हिसाब से आप 4 ड्रॉप डालो बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा ही है तो हाफ। किसी ने गोले बनाने घर बनाए क्या? मुझे पता है वो गोले बच्चे आते ना, वो तो बहुत लोग ने घर बनाए थे, और ये तो भी बनाए थे, लॉकडाउन लगा था तब, बहुत लोग कुकिंग एक्सपर्ट हो गए थे। अरे क्या गोले बनाए थे क्या? नहीं बनाए ना, तो चलो मुझे देखकर बनाना सीखो। ये भी अपनी कला है, जो की कला मुझमें है। ये गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं। गाइस दोपहर के 4 बज रहे हैं, तो दोपहर के 3 बज चुके हैं। दोपहर की चाशनी जो बनाई थी वो ठंडी हो गई, तो मैंने जब ठंडी हो गई वो कम रह गई थी चाशनी, तो दोबारा और बनाई है चाशनी। हां, 3 बोतल कम रह गई थी, तो मतलब 3 फ्लेवर बचे गए, तो इसलिए चाशनी हो गई, अब ठंडी हो रही है, तो हम अब बना रहे हैं। और ये 3 शेड रह गए थे, ये है रेड रोज फूड फ्लेवर, 4 सिप डालनी है। ओ खुशबू आ रही है, इसमें तो खुशबू ना ऐसी आ रही है जैसे रूप जा की रेड रोज है। हां, उस चीज की आ रही है खुशबू, मिला लेंगे अच्छे से। चलो इसकी हो रही मिक्सिंग, रेड बस आओ भाई रखना पी लो ठंडा। तू पिलाएगी तो हम पियेंगे। एक बार तू रेड तैयारी कर रही है, हाय तोबा गोले ही गोले मच जाएंगे। सबसे ज्यादा सब भी लेना ये वाला, ये ना। हाँ मुझे लग रहा है, पूछ क्यों इसकी फेमस अच्छी हो रही है ना, तो मतलब डार्क डार्क बना उनमें थोड़ा सा लगता है, थोड़ा लाइट कलर है। अरे अभी ये कौन सा फ्लेवर रह गया तेरा? असली फ्लेवर तो यही है यार, पर वो इसके ना ऊपर वो लगाना चाहिए अपने को, इसकी बोतल के पास रखना, तो पता चल जाएगा ये किसका क्या नाम है। 1 2 3 कर दे स्टार्ट। गया। कौन सा फ्लेवर आ गया? अब बहुत टाइट बंद है ना, ये कौन सा फ्लेवर है? ये होगा खस फ्लेवर, कौन सा खसखस वाला फ्लेवर? जो खसखस होती है वो, जो बच्चों को खसखस देते हैं ना, वो वाला फ्लेवर है, या गले में खराश होती है वो खसखस है? ये खांसी वाली खसखस है, पता नहीं कौन सी खसखस है। ये जो ना गोले पे जाएगा तो पता लगेगा कौन सी खसखस है। चलो इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इस पे नाम भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्रीन 2 हो गए और रेड भी 2 हो गए, पता नहीं होगा। वाओ कितना ग्रीन ग्रीन है, टेस्ट में पता नहीं कैसा है, लेकिन इसका कलर ना, अभी हमारी टेप लगाना शुरू हो गई है, क्योंकि टेप लगाना जरूरी है। इसका फ्लेवर का पता नहीं चलता, एक जैसे 2 कलर की हो रखी है। ऐसे लगाऊं क्या? ऐसे लगा, वैसे हाँ, इधर का बोतल का मुंह में कब दिख नहीं रहा। हाँ ऐसे इसके ऊपर नाम इसका शो कर दे, बस इसका नाम शो कर दे, ये कौन सी है? ये फिर भूल जाए, साथ में लिख दे इसके, फिर एक जैसे हो जाएंगे, रूप वाला भी एक जैसा है, गुलाब वाला भी एक जैसा है। ये है रू रोज ना, रू को ठंडा करने वाला रू।
कर चुकी है ये सारा कुछ कर दिया मैंने। अभी आपको दिखाऊंगी फटाफट से दिखा दूंगी, टाइम नहीं लूंगी आप लोग थोड़ा सा निकल गया ना तो बस चलते चलते अपना वो बात करते वो सीन ही भूल जाती है कुछ ऐसे हो जाता है। तो चल कंटिन्यू कर। अरे दिखा दे यार सब्र नहीं हो रहा हमसे। चप्पल के ऊपर तो बैठी मैं। तो ये देखो मैंने ये लिखा है मैंने पाइनएप्पल, ये लिखा है मैंने लेमन और ये लिखा है मैंने पिस्ता और ये हमारा सबसे फेवरेट मोस्ट इम्पोर्टेंट काला खट्टा, इसके बिना तो वो क्या कहते हैं गोला अधूरा है। ये है मैंगो और ये आ गया रूरोस, ठीक है। उसके बाद ये आ गया स्ट्रॉबेरी, दिख रहा है ना सारा, दिख रहा है सारा, दिख रहा है खुश। तो इसे बनाने के लिए मुझे पूरे 2 दिन लगे हैं। पहले से चश्मे बनाई, वो ठंडी गई, उसके बाद अगले दिन इसको बोतलों में बनाया, ये जुगाड़ वगैरह बनाकर पूरा तैयार किया मैंने। आपको मेरे ये फूड फ्लेवर जो है कैसे लग रहे हैं, जो कलर्स हैं, इससे मैं बनाने वाली हूँ गोले। और मेरी आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जाके थकी पिया मेरे यूट्यूब चैनल उस पर देखना, ठीक है। उसके बनने वाले हैं इतने सारे गोले, 10 फ्लेवर मंगाए मैंने। अगर उससे और फ्लेवर आते होंगे तो मैं वो भी मंगाऊंगी, मुझे लगता है इतना बहुत होगा। तो चलो देखो क्या बोलूंगा, थक चुकी है बुरी तरह, बस सुबह से लगी है, सुबह से लगी हूँ। तो चाशनी बनाई, फिर इसको ठंडा किया, अभी जो बर्तन रखे हैं उनको भी समेट लिया जाके। तो चलो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, तब तक मिलते हैं, बाय बाय।